कल सुबह जे एडवांस का एग्जाम है और सुबह सुबह निकलना होगा। मैं लगभग पूरा तैयार हो गया हूँ, अब बस मेरे को चेक करना है वो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड जो मैंने बैंक में रखा था वो एक बार देख लेना, कंफर्म हो जाना है कि भाई वो अभी भी है या फिर गायब हो गया। लो भाई सब कुछ सही है, एक बार चेक कर लिया, ठीक है। ये रहा एडमिट कार्ड और ये रहा आधार कार्ड और ये कुछ फ़ोटोज़ है, तो ठीक है अब फिर से इसको रख देते हैं बैग में। अजीज और पुष्कर का घर तो बगल बगल में है तो वो तो 2 मिनट में पहुंच जाएगा, तो हमको अभी निकलना होगा, तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, तो अभी जाते हैं यहाँ से अजीज का घर। तो हम अभी अजीज़ के यहाँ आ गए थे और अजीज़ तैयार हो गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुष्कर का घर, बताए थे 2 मिनट का रास्ता है तुरंत पहुँच जाएंगे। तो अजीज़ बताओ प्रिपरेशन कैसा चला? बस प्रिपरेशन छोड़ के बात कर। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और हम लोग वो ज़्यादा एक्साइटेड है, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। बताओ पुष्कर तुम्हारा तैयारी कैसा है जे एडवांस का? बस किस तरह से हो गया, पेपर कैसा था पहले टफनेस बताओ पेपर का? पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट था, बहुत और कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, कैलकुलेशन के कारण बहुत टाइम लग गया बहुत क्वेश्चंस में। मैथ बहुत डिफिकल्ट लगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में बनाते बनाते फिर आंसर ही मैच नहीं कर रहा था कहीं कहीं, बहुत स्टार्टिंग में तो मेरा हाथ ही काम नहीं कर रहा ठीक है, बहुत दिक्कत हो रहा था, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़े। इस पेपर में ना फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों गजब मिला है, जो खाली सिर्फ फिजिकल या ऑर्गेनिक पढ़ के गया वो उसको दिक्कत हुआ, तो दोनों पढ़ के गया वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, इजी क्वेश्चन थे लेकिन बहुत लेंदी थे, टाइम बहुत का है। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, फिजिक्स में भी बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टाइम करते थे, वैसे ईजी थे कॉन्सेप्चुअल थे। मैथ्स टफ आई रही है, चल रहा है मैथ्स में, अच्छा वही ट्रेंड चल रहा है, मैथ को टफ कर देना है पूरा, हाई कैलकुलेशन भी ठीक है। तो अब बात करते हैं अजीत से, इसका एग्ज़ाम कैसा गया? चलो अजीत बताओ तुम्हारा एग्जाम ओवरऑल एवरेज कह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कहानी नहीं सकता कि केमिस्ट्री तो थोड़ा इजी आया, मतलब थोड़ा इजी एज कम्पेयर टू जितना एडवांस में आता है उससे थोड़ा इजी था एडवांस में। अच्छा ठीक है, मैथ एकदम नहीं बना, मैथ नहीं बना, फिजिक्स थोड़ा बहुत बना क्या है, बस बाकी आज का मैच देखना है इंडिया पाकिस्तान मैच वाला, मोस्ट सीरियस कैंडिडेट हाँ कह सकते हैं, लाइफ इज अनसर्टेन कभी भी कुछ, तो इसीलिए उतना किसी एक चीज़ को उतना ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए, मतलब इनसे ये सीख सकते हैं कि मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई को पढ़ाई के जैसे ट्रीट करना है उसको, ऐसा नहीं कि एकदम कोई बर्डन ले लिया है, जैसे एक फर्स्ट अटैम्प फर्स्ट पेपर हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा आराम करना भी चाहिए, तो इस तरह के मूड फ्रेश करने की बात भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर समय पढ़ाई के चक्कर में माथे खराब कर लिया। अगर तुम बताओ पेपर का टफनेस कैसा था और तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो रिलेटिवली केमिस्ट्री में थोड़ा ईजी गया है और फिजिक्स में काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़े टफ थे और मैथ्स थोड़ा लेंदी था, उसमें कुछ क्वेश्चन ट्राई किए, लेकिन मैथ्स फिजिक्स ठीक था एडवांस लेवल का, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा ईजी था, जिसने मूल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स कैलकुलेशन पढ़ा होगा उसे तो मोस्टली क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे। तो तुम ये बताओ जो अब जो आगे बच्चा एग्ज़ाम देगा 2023 में, तुम उन लोग के लिए क्या मतलब सलाह देना चाहता है या सजेस्ट करना चाहता है? मैं
मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अच्छे से तैयारी करें, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लें, ये सिर्फ एग्ज़ाम है और इसमें ऐसा होगा नहीं बनाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टफ आता है, मतलब कि आपको सब क्वेश्चन भी ना सॉल्व करना, आप सिर्फ 50% 60% भी कर लेते तो बहुत अच्छा ब्रांच मिल जाता है, बहुत अच्छा राइटिंग, तो इसीलिए मतलब कि आपको जो स्ट्रॉन्ग लगता है उसी को और अच्छा से स्ट्रॉन्ग कीजिए। एडवांस के लिए मीन्स के लिए तो आपको बेसिक लेवल पर हर चैप्टर देखना ही पड़ेगा, लेकिन जब एडवांस की बारी आए तो जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको डिटेल में पढ़िए, अच्छा समझ समझ के, कितना ही घुमा दे। और क्वेश्चन बच्चे लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कम ध्यान देते हैं इसीलिए वो मार खाते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से लगता है कि हाँ सब समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं हो सकता, इसलिए थ्योरी पर तो ध्यान नहीं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान दें, स्पेशली मैथ्स और केमिस्ट्री में भी अगर याद नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री में सबका यही कहना होता है कि याद नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, अपने धीरे धीरे मन लगा के पढ़ाई करना है और रिलेटिवली मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद रेगुलर बेसिस पे रिवाइज भी करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहना है। तो अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और तुम्हें अगर किशन, अजीज और सुधाकर ये तीनों का बात अगर तुम्हें पसंद आया और तुम चाहते हो कि और मैं इन सब से बात करूं, और हाँ इसमें पुष्कर भी है लेकिन पुष्कर से बात नहीं हो पाया क्योंकि बारिश पड़ा था जिसकी वजह से हम लोग ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और हो सकता है कि आने वाले एक दो दिन में हम मिलेंगे तो उससे अच्छा से बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में, तो वो भी वीडियो आ जाएगा, वो लोग का जो एक्सपीरियंस था वो तुम्हें कैसा लगा, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो करना है कर दो, तब तक के लिए बाय।